नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए। पैरों में दर्द आपके जंगा में भी हो सकता है, नीचे घुटनों से नीचे भी हो सकता है। तो ऐसी समस्या है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि हमें राहत मिल सके, हमारा दर्द बंद हो सके। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि और नई जानकारियां आपको बराबर दोस्तों मिलती रहें, क्योंकि हम ऐसी इसी प्रकार की जानकारियां आपको बराबर अपलोड करते रहते हैं। तो पैरों में अगर आपके दर्द होता है, जंगा में दर्द होता है, या घुटनों में दर्द होता है, या घुटने से नीचे दर्द होता है, तलवों के आसपास दर्द होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सरल नुस्खे बताएंगे दो तीन, जिससे कि आपकी ये समस्या दोस्तों दूर हो जाएगी। अब इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों अगर आपको कैसी भी इसी प्रकार की दर्द की समस्या है तो आपको सरसों के तेल में लहसुन को पकाना है, तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। जब आपका ठंडा हो जाएगा तो तेल ठंडा हो जाएगा, उस तेल से आप पैरों का मालिश करने से और जो पैरों का दर्द होता है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। मालिश आप दिन में कम से कम एक बार तो करते रहें जिससे कि आपको दवा का असर हो सके और जल्दी ही आपको फ़ायदा मिले। और यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके पास गर्मी बरसात में मौसम में तेल की मालिश अगर समस्या देती है तो ऐसे में आप सूखी मालिश भी कर सकते हैं। सूखी मालिश से भी हल्के हाथ से आप करेंगे तो दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते हाथ करने से आपको राहत मिलेगी और जो खून का सर्कुलेशन होता है वो ठीक हो जाता है। तो सूखी मालिश भी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके जांघ में दर्द है तो 1 चम्मच अदरक का रस लेना है और आधा चम्मच उसमें घी मिलाना है, देसी घी। फिर इसको खाली पेट पीना है तो इससे भी दोस्तों आपको आराम मिलेगा। पर लेकिन दोस्तों इसको ऐसा नहीं कि आप एक ही बार कर लें, कुछ दिन लगातार कर लें। इसमें कोई चीज़ आपको नुकसान भी नहीं करेगी, अदरक भी नुकसान नहीं करेगा और आपको घी भी नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ दिन लेने से आपके पैरों में जो दर्द है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। सरल और घरेलू उपाय है, इससे आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो हमें आशा है दोस्तों हमारी इस छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में संकोच न करें, साथ में शेयर भी करते चलें जिससे कि आपके साथ दूसरों का भी भला हो, दूसरे भी लोग सभी प्रकार की जानकारी चैनल पर देख सकें। दोस्तों हम सभी तरह की जानकारी आपको चैनल पर देते रहते हैं बराबर, तो आप अधिक से अधिक उसका फ़ायदा भी उठाएं और दूसरों को लाभ देने का भी कोशिश करें। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार।